जानना चाहता हूँ कि आप मनु भैया के पास आए हैं, आप क्या इन चीज़ों में विश्वास करते हैं? मेरे को पहले तो इन चीज़ों का पता नहीं था, काफ़ी देर तक मतलब खुद मैं सफ़र किया इनसे। हाँ, लेकिन जब पता चला डॉक्टर्स के दिखाने के बाद, उधर उनका वो बताते कुछ नहीं थे, तो मतलब आराम नहीं पड़ता था, आराम नहीं पड़ता था, कुछ भी समझ नहीं आती थी। लेकिन जब पता चला कि ये इनके बारे में पढ़ा थोड़ा मैंने कि ये ऐसे सच में होती है, तो फिर समझ आने लगी कि ये तो इन्हीं वजह से हो रही है ये सारी। तो पढ़ा कहाँ आपने? मैंने आर्टिकल्स कुछ पढ़े ऑनलाइन। हाँ। और उसमें तो क्लियर कट लिखा हुआ है, जैसे आयुर्वेद में क्लियर कट लिखा हुआ है एक कि भूत विद्या एक किताब है बकायदा। हाँ। उसमें आयुर्वेद के जो मतलब ट्रीटमेंट प्रैक्टिशनर्स हैं उनको ये आना चाहिए और उनको ये चीज़ करनी चाहिए। तो ये सुश्रुत संहिता में वहाँ लिखा हुआ है सब कुछ, कोट किया हुआ है, सारा कुछ लिखा है। जो तरीका आप अपनाते हैं तकरीबन वो सारा सेम वैसा ही। क्या क्या तरीका उसमें लिखा हुआ है? जैसे आप मेन बताते हैं शांति पाठ या मंत्र चिकित्सा जिसको बोल रहे, बलि दूसरा और हवन, मेन तीन चीजें वो बताते हैं। और तीन ही चीजें वो भी बताते हैं, और तीनों ही चीजें हम मनु भैया जी के हैं। लेकिन मैंने तो कभी कोई ग्रंथ पढ़ा नहीं अभी तक। ठीक है ना, इस विषय में आयुर्वेद के ग्रंथ में कहाँ क्या लिखा है कुपित वायु के बारे में वो उन्होंने बताया। तो क्या उसमें ये भी लिखा हुआ है कि श्राप, देव दोष, नजर और प्रेत और पितृ? उन्होंने तो काफी कैटेगरीज इसकी वो बताते हैं। जैसे मैं बताता हूँ, प्रेत, पिशाच, यक्ष, किन्नर, विद्याधर, ये सब बताया है। अच्छा, उसमें सब पता है। तो आपने इतनी डीपली स्टडी की, आप हिंदू हैं? नहीं, मैं हिंदू नहीं। मतलब आप हिंदू नहीं है, मुस्लिम होते हुए आपने इतनी डीपली स्टडी की? जब कोई चीज मुस्लिम धर्म में तो इन सब चीजों को पहले से ही मानते हैं, वो नकारते नहीं और ना इसको ढोंग ढकोसला कहते हैं। बिल्कुल। हाँ, फिर जब तंगी में है कोई तो वो देखता है कि क्यों है तंगी, किस वजह से है, जब समझ नहीं आ रही किस चीज से तंगी है तो। हाँ, तो जब समझ नहीं आ रही तो सहारा लेते हैं। आपने यहाँ देखा भी होगा बहुत सारे मुस्लिम आते हैं और बहुत सारे तो जैसे अभी एक आते हैं सज्जन, मैं उनका पहले नाम लिखता हूँ, उनको इतना आराम पड़ चुका है, उनकी धर्मपत्नी को इतना आराम पड़ चुका है, हम तो धर्मपत्नी बोलते हैं ना, तो धर्मपत्नी को इतना मतलब बेगम का वो हमारे से वो शब्द लिया नहीं जाएगा, उनको इतना आराम पड़ चुका है कि कुछ हद नहीं कि वो यहाँ के फैन हो चुके हैं, उनके तीनों बच्चे भी आ गए ना, तीन लड़के हैं उनके, वैसे पांच बच्चे हैं टोटल मिला के, कईयों की शादियां उन्होंने कर दी हैं, तो तीन लड़के उनके साथ आते हैं। वो कहते हैं हमने तो भैया जी आपका स्वप्न भी देखा है, हम खुद आपसे मिलना चाहते हैं कि आप यहाँ आने से पहले हमने आपका स्वप्न देख लिया, हमारे मम्मी पापा आपसे जुड़े हुए हैं। तो कितनी बड़ी बात है। तो आपकी जो रिसर्च है कहीं ना कहीं बेस रूप में ये बहुत अच्छी है, इसके अलावा भी आपने कुछ और जानकारी प्राप्त की है इसमें? मैंने तो ये चीज देखी है कि सभी मतलब जो धर्म है वो ये बोलते हैं नाम लेने को। हाँ। सारी प्रेफरेंस सारी उसी की है, जैसे हाँ। मुस्लिम में भी कलमा जो पढ़ना है वो मेन हाँ। बेसिक चीज है और उसी से ये चीज ठीक होती है। भैया तो कलमा पढ़े या अल्लाह अकबर पढ़े, जो भी आप चाहे, भाई वो शब्द सबसे बड़ा है, नाम जप करें, नाम जप करें, जो भी चाहे वो माला पे नाम जप करें, जप करें, और वही है हमें जो इन सबसे दुखों से छुटकारा दे सकता है। आपको लगता है जो राक्षस आदि है वे हमारे शरीर में ही है, बाहर नहीं है? जैसे काम रूपी, क्रोध रूपी, लोभ रूपी, मोह रूपी, आजकल के टाइम में तो ज्यादा है, आजकल के टाइम में मुश्किल है इन चीजों से छुटकारा पाना, मुश्किल है। वैसे तो अभी चाय बन रही है, आप चाय पी के जाइएगा। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मनु भैया जी ने जो फैसला किया है, जैसे 25 जनवरी से वो 1 रुपया और 54 का फैसला किया है, मैं ये एक बात पूछना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ हिंदुओं में एक चीज एक रीति है ऐसे करके हम उतारा करते हैं, तो क्या मुस्लिमों में भी ऐसी कोई रीति है जो उतारे या बलि से संबंधित लगती है, नजर आती है, महसूस होती है? मतलब अब देखा जाए तो मुस्लिम भी जो इंडिया में जितने हैं सारे वो एक टाइम में हिंदू ही थे। हाँ, एक टाइम में हिंदू ही थे, हिंदू ही थे, तो वो मिलते हैं, रीति रिवाज तो सारे मिलते ही हैं। हाँ, रीति रिवाज सारे तकरीबन मिलते ही हैं। तो आपने अपनी माँ को कभी उतारा करते हुए देखा है या आपकी नजर उतारते हुए देखा है? किस तरह से उतारते हैं वो? मतलब ऐसे मिर्ची से या कुछ किस किस्म से उतारती थी और चला देते। तो अब आपने जब इतनी गहरी स्टडी की तो ये कौन सा योग बताया, अष्टांग योग यानी कि आठवां जो योग है? हाँ, वो ये बताया किताब है भूत विद्या। हाँ। सुश्रुत संहिता में कहीं लिखा हुआ है जी, आपने वो भी पढ़ी है या नहीं पढ़ी है? डीपली नहीं पढ़ी मैंने ऐसे मतलब आर्टिकल्स उसके मतलब। आपने एक अंग्रेज का जिक्र किया है कि वो इस पर रिसर्च कर रहे हैं, क्या रिसर्च कर रहे हैं वो? अंग्रेजों में तो मतलब इनकी तो अपनी सोसाइटीज, बड़ी यूनिवर्सिटीज में सोसाइटीज हैं, वो बकायदा इस्लामिक स्टडीज पे भी रिसर्च करते हैं, हिंदू स्टडीज पे भी रिसर्च करते हैं, वेदांतिक स्टडीज पे भी करते हैं, जबकि हमारे इधर कुछ नहीं होता, हमारे यहाँ पे कुछ देखते नहीं है, इतनी डीप स्टडी नहीं होती इसके, हमारे यहाँ डीप स्टडी इसके लिए होती नहीं, इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा इसको,
बच्चों को इस तरफ रिसर्च में आना पड़ेगा। अच्छा, आपने देखा, आप यहाँ देखते भी हैं, आपने इतनी सारी वीडियो हमारी देखी, उनमें देखा किस किस तरह के रोग लोगों के ठीक होते हैं, वो भी बहुत भयंकर भयंकर। जैसे किसी को मान लिया सर्वाइकल है, वो एक से दो बार आता है, उसको 90% 80% आराम पड़ जाते हैं, जबकि हम केवल हथौड़ी का प्रयोग करते हैं। तो आपको एक बात तो समझ में आ गई, हथौड़ी का प्रयोग करने से हम उसकी जगह को वहाँ से छाटते हैं मंत्र जाप करते हुए, लेकिन बहुत सारे लोग जो इस तरह से जप ही नहीं है, यानी कि तप ही नहीं है, या उन्होंने तप नहीं किया है, जब वो इस तरह के काम करते हैं तो उनको खुद को जो है ना निगेटिव आ जाती है, निगेटिविटी आ जाती है, उनके ऊपर छा जाती है। तो आपको लगता है लोगों को जप करना चाहिए और जप करके मनु भैया के साथ जो है कदम से कदम मिला के चलना चाहिए? आपको लगता है भारत में कभी ऐसे इंस्टीट्यूट और रिसर्च सेंटर होने चाहिए? आपको लगता है कि प्रत्येक हॉस्पिटल में एक निगेटिविटी का पैराग्राफ होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, और सबसे ज्यादा काम ही उन्हीं का निकलेगा अगर वो हो, वो हो, सबसे ज्यादा काम भी उन्हीं का निकलेगा। क्योंकि जितनी डिजीजेज है डॉक्टरी में अभी मॉडर्न साइंस में, तो इनका इलाज ही कोई नहीं बताते, वो मॉडर्न साइंस है वो भी नहीं बता पाते। हाँ, क्यों होती है, ये क्या वजह है वो भी नहीं बताएंगे, बस खाली उसका ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग। आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा, और मैं चाहता हूँ क्योंकि आपकी पहचान भी जो है गुप्त रहे, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना, लेकिन आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छी बात की। और प्रत्येक बच्चा अगर इतनी डीपली नॉलेज रखेगा जो हमने कुपित वायु के बारे में बताई है, तो बहुत अच्छी बात होगी और बहुत अच्छा लाभ भी होगा संसार को।